हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं वचन। हिंदी में वचन किसे कहते हैं? तो पहले आप ये देखिए कि कोई भी चीज़ ये कितना है, ये कितना है संख्या में, आप ये बताओ एक है, दो है या कितना है। तो आप इसको बोलोगे ये एक है, ठीक है। अब मैं और रखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इधर ये एक था और ये दो, यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो ये एक है और ये एक से ज़्यादा आम है। तो जो एक है उसको एक वचन बोलते हैं और जहाँ एक से ज़्यादा होता है उसको बहुवचन बोलते हैं। अब एक से ज़्यादा मतलब दो भी हो सकता है, तीन भी, पाँच भी, दस भी, सौ भी, सबको हम लोग अनेक बोलेंगे, ठीक है, यानी बहुवचन बोलेंगे। तो अब हम पहले हम लोग देखते हैं कि वचन मतलब इससे क्या पता चलता है, संख्या, किसी भी चीज़ का संख्या का पता चलता है, ठीक है। जब कोई वस्तु एक होती है ना, एक होता है, कोई चीज़ संख्या में एक है, वन है, तो उसको हम बोलेंगे एक वचन, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं बहुवचन। मान लीजिए अनेक, तो एक माने एक, लेकिन एक से ज़्यादा होगा, चाहे वो दो हो, तीन हो, पाँच हो, तो उसको अनेक बोलते हैं और अनेक को बोला जाता है बहुवचन। इस तरह हम लोग वचन हिंदी में वो पढ़ते हैं जिससे किसी भी चीज़ का संख्या पता चलता है कि कोई चीज़ कितना है मेरे पास, ठीक है। तो अब एक वचन और बहु अनेक माने बहुवचन। अब आपको देखिए, आप एक आम से आपको मैंने सिखाया, अब आपको मैं रखती हूँ यहाँ पे एक आलू, आप बताओ ये एक वचन में जाएगा या अनेक में जाएगा, ये एक है या अनेक है। तो आप बोलोगे एक है, इसलिए ये एक वचन में रखेंगे। लेकिन अब मैं और लेती हूँ, देखिए आलू, और अब आप बताओ कि यहाँ पे कितने आलू हैं, गिनते हैं, एक दो तीन चार। तो यहाँ चार आलू हैं, मतलब एक से ज़्यादा आलू हैं। तो एक से ज़्यादा आलू है तो वो यहाँ आएगा अनेक में। इस तरह से हर वस्तु की संख्या का पता हमको चलता है वचन से। तो आप समझ गए वचन किसे कहते हैं, जिससे हमको किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का संख्या का पता चले। और संख्या कितनी हो सकती है, या तो एक या एक से ज़्यादा। तो जो वस्तु में एक होती है उसे एक वचन बोलते हैं और जो एक से ज़्यादा होता है उसे अनेक बोलते हैं या बहुवचन बोलते हैं। जैसे अब आपको अगर मैं एक दूसरा उदाहरण देती हूँ, आपके पास एक केला है, ठीक है, आपके पास एक केला है, मैं बनाती हूँ केले का चित्र, ठीक है। आप ही बताओ कि ये है एक केला, तो ये या ये तीन केले हैं। अब आप बताइए ये एक वचन है, ये बहुवचन है, क्योंकि यहाँ तीन है या एक है। तो इसको एक वचन को केला में ये इसको बोलेंगे केला, केवल केला, क्योंकि ये एक ही है। और यहाँ एक से ज़्यादा है इसलिए हम इसको बोलेंगे कोय करके लॉय कर ले केले। तो लिखने में हम लोग हिंदी में वचन में ऐसे लिखते हैं। अगर हम केले लिखते हैं और नहीं भी केले के चित्र बनाते हैं तो हम कोई समझ में आ जाता है कि वो एक से ज़्यादा होगा, तभी केले लिखा हुआ है। और केला लिखते हैं, नहीं भी हम चित्र बनाते हैं, तो पता चलता है कि वो एक है। दूसरा उदाहरण मैं लेती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने बनाया, आप देखिए क्या बना, क्या बन रहा है, ये चिड़िया। और यहाँ पे मैंने बनाया यहाँ एक चिड़िया मैंने बनाया है, यहाँ एक से ज़्यादा चिड़िया है, यानी यहाँ एक चिड़िया, यहाँ अनेक चिड़िया, अनेक माने एक से ज़्यादा। तो एक चिड़िया है तो हम यहाँ लिखेंगे केवल चिड़िया, चिड़िया की स्पेलिंग ऐसे होती है, चिड़िया का हिज्जा चौहर शिकार बड़ी रोहर शिकार आकारी चिड़िया। यहाँ दो है, एक से ज़्यादा है, अनेक है, तो अनेक चिड़िया को हम लोग लिखेंगे चिड़िया, इसमें हम लोग यहाँ लगा देते हैं, इसमें हम लोग यहाँ लगा देंगे केवल, तो पता चलेगा एक से ज़्यादा है। अब आप चित्र ना भी बनाओ तो भी चिड़िया मतलब एक से ज़्यादा और चिड़िया माने सिर्फ एक चिड़िया। फिर हम लोग देखिए और भी करते हैं,
यहाँ अब हम मैं चित्र नहीं बनाती हूँ, सिर्फ लिखती हूँ। आप बोलो, पत्ता मैंने कितना पत्ता और पत्ते मैंने कितने पत्ते। पत्ता मतलब एक पत्ता, ठीक है, और पत्ते लिखा है इसका मतलब है कि वो एक से ज़्यादा होंगे, तो हम एक से ज़्यादा पत्ते बना दे रहे हैं। इस तरह एक से ज़्यादा पत्ता है तो पत्ते बोलेंगे, लेकिन सबके अलग अलग नियम है। जैसे केला में केले होगा, एक आर लगेगा। आकार मिटा दूंगी, देखिए ये आकार हटा के यहाँ पे ये एक आर लगा दिया गया है। यहाँ चिड़िया है, चिड़िया में केवल यहाँ लगा दिया, सब चीज़ वैसे ही है केवल यहाँ पे यहाँ, लेकिन सब चीज़ में यहाँ नहीं लगता है। पत्ता है तो यहाँ भी आकार हटा के एक आर लगा दिए हैं पत्ते। वैसे ही देखिए, अगर कौवा, कौवा माने एक कौवा, ठीक है, और एक से ज़्यादा कौवा होगा तो हम क्या बोलेंगे, कौवे, ठीक है, एक से अधिक कौवे को कौवे बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अ के जगह पे हमने ए लगा दिया, कौवे। इसी तरह एक और अनेक हम लोग बनाते जाते हैं, मैंने कोई चीज़ एक है, एक से ज़्यादा है, तो कैसे बनाएंगे। जैसे आप और कुछ बताओ, पेंसिल, ठीक है, आपके पास एक पेंसिल है तो पेंसिल बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा पेंसिल हैं तो उसे बोलेंगे पेंसिलें, यहाँ पे अनुस्वार। लेकिन इस तरह है कि आपको बनाने के तरीके अलग हैं, किसी में केवल आकार को हटा के एक आर लगा देते हैं, या वाला जितना चीज़ है उसमें यहाँ लगा देते हैं, पत्ता जो भी आकार वाला है उसके आकार को हटा के एक आर लगा देते हैं, कौवा का कौवे हो जाएगा तो आ हटा के ये लगा दिए, और पेंसिल में पेंसिलें होगा, यहाँ आकार भी नहीं है या भी नहीं है तो हम लोग एक आर लगाते हैं और एक अनुस्वार डाल देते हैं, बिंदी डाल देते हैं, तो ये पेंसिलें हो जाएगा। इस तरह से हमने आज वचन सीखा। आपको मैं बनाने के लिए दूंगी नीचे कुछ वचन, जिसे आप होमवर्क में बना लो, उसका फ़ोटो खींच कर मैं आपको देती हूँ। होमवर्क में कुछ ऐसे शब्द दूंगी जिसके आपको वचन बनाने हैं, ठीक है। अब आप एक और अनेक में अंतर करना आप सीख चुके हो। ओके, थैंक यू।